हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्पोर्टनेस यूट्यूब चैनल। काफी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था पर्सनल इश्यूज की वजह से, अब वीडियो लगातार बनेगी। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज बहुत ही धमाकेदार मैच होने वाला है, एक तरफ किंग कोहली तो एक तरफ वेटमैन शर्मा, दो दोस्त भिड़ेंगे आमने सामने। ये बैटल बहुत ही मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, ड्रीम 11 टीम, मैच प्रेडिक्शन, ये सभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। IPL 2024 का 25वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई ने लगातार 3 मुकाबले हारने के बाद पहली जीत हासिल कर ली है, जबकि RCB ने लगातार 3 मुकाबले गवाए हैं। लेकिन ये मैच काफी रोमांचक होने वाला है। मुंबई पॉइंट्स टेबल पे 8 नंबर पे है, वही RCB 9 नंबर पे है। आइए जानते हैं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच कैसी है, यहाँ गेंदबाजों या बल्लेबाजों किसे ज्यादा फायदा मिलेगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, यहाँ बल्लेबाज खूब चौके छक्के लगाते हैं। हालांकि मुकाबले की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग और गति मिलती है लेकिन फिर बल्लेबाजी गेंदबाजों पर हावी नजर आते हैं। इस मैदान पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं। MI ने अपने लास्ट मैच दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 232 रन बनाए थे पहली पारी में, लेकिन फिर भी कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। IPL इतिहास में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक कुल 32 मुकाबले खेले गए, जिसके दौरान मुंबई ने 18 मैच जीते हैं, वही बेंगलुरु ने 14 मैच जीते हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए मुंबई का पल्ला भारी नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना यह है कि MI अपना दबदबा बनाए रखती है या RCB जीत की वापसी करती है। मुंबई बनाम RCB का मुकाबला काफी रोमांचक ही होता है। तो देख लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन, रोहित शर्मा ओपन करने उतरेंगे। 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर पर तिलक वर्मा, 5 नंबर पर टीम डेविड, 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या, 7 नंबर पर मोहम्मद नबी, 8 नंबर पर रोमारियो सेफर्ट, 9 नंबर पर पीयूष चावला, 10 नंबर पर कोटसी, 11 नंबर पर जसप्रीत बुमराह। ये होने वाली मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो ओपन करने उतरेंगे वही फैफ डु प्लेसिस के साथ में विराट कोहली। 3 नंबर पर विल जैक की एंट्री होने वाली दोस्तों, ये मैं 90% के दावा में बोल सकता हूँ कि विल जैक की एंट्री हो रही है। 4 नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल, 5 नंबर पर लोमरोड, 6 नंबर पर दिनेश कार्तिक, 7 नंबर पर चौहान सौरभ चौहान, 8 नंबर पर रिस्टॉपली, 9 नंबर पर करण शर्मा वापसी कर रहे हैं, 10 नंबर पर मोहम्मद सिराज, 11 नंबर पर आकाशदीप की भी वापसी हो सकती है। तो ये होने वाली है प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों की। अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में। तो हमारी ड्रीम 11 की टीम में विकेट कीपर में रहने वाले हैं ईशान किशन के साथ दिनेश कार्तिक, बैटिंग में होने वाले तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस, ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, रोमारियो सेफर्ट, ग्लेन मैक्सवेल, बॉलिंग में होने वाले जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। रोमारियो सेफर्ट की जगह पे हम विल जैक को ले सकते हैं अगर टॉस जीतकर RCB पहले बैटिंग करती है तो। मैच प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच RCB जीतेगी, क्योंकि लगातार टीम हारते हुए आ रही है और टीम में बदलाव भी होने वाले हैं। सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल और फैफ चलना जरूरी है, ये चल गया तो रन बहुत ही आएंगे। तो मेरी तरफ से RCB जीतने वाली है ये मैच। बाकी दोस्तों क्या लगता है आपको, कौन सबसे ज़्यादा विकेट और कौन सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला है ये मैच में, कमेंट करके बताओ। जिसमें भी दोनों सही बताया उसको गिफ्ट मेरी तरफ से मिलेगा। बाकी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। तो जुड़े रहे हमारे इस चैनल से, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी मैच RCB जीतेगी, सबसे ज़्यादा कौन रन बनाने वाला है कमेंट करके बताया।